नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील की कुंडालिया डैम परियोजना से पेयजल लाइन और भूमिगत सिंचाई लाइन का काम इन दिनों जोरों से प्रगति पर है। पेयजल और सिंचाई हेतु लाइन बिछाने के लिए L&T कंपनी क्रियान्वयन एजेंसी है। L&T कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने हेतु अलग अलग सेंटरों पर पाइपलाइन के पाइप स्टोर केंद्र बना रखे हैं। कई निजी परिसरों में तो कहीं शासकीय जमीन पर बने इन पाइप स्टोर सेंटरों में पिपलिया कुलमी आवास कॉलोनी में भी लगभग 2 साल से कंपनी द्वारा मंडी प्रबंधन की मिलीभगत से बगैर किराया दिए कृषि उपज मंडी की जमीन पर पाइप स्टोर केंद्र बनाकर कब्जा जमा रखा है। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी से L&T कंपनी द्वारा किराया नामा अनुबंध किए बगैर ही पाइप स्टोर केंद्र बना रखा है। इस बात की जानकारी मंडी प्रबंधन भार साधक नायब तहसीलदार माचलपुर को भी है। आखिर मंडी प्रबंधन की अनुमति के बगैर कैसे L&T कंपनी ने अपने पाइप डाल रखे हैं? उपमंडी की जमीन पर बगैर किराया दिए 2 साल से कब्जा जमा कर मंडी या सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, जबकि कंपनी को कार्य करने के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। जमीन के खसरा नंबर की छपी पर्ची बताते हुए यहाँ पदस्थ गार्ड से बात करने पर गार्ड कैबिन में लगी जमीन के खसरा नंबर की छपी पर्ची बताते हुए बताया कि कंपनी ने यह जमीन लीज पर ले रखी है, जबकि कैबिन में लगी पर्ची में लिखा है कि मुंदड़ा पेट्रोल पंप के पास पिपलिया कुलमी खसरा नंबर 1969/5। सोचने बात तो यह है कि पिपलिया कुलमी में कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। दरअसल पिपलिया कुलमी उप मंडी की जमीन का खसरा नंबर 1052/2 है। वहीं पिपलिया कुलमी घाट के कैबिन में लिखा खसरा नंबर 1969/5 पिपलिया कुलमी का नहीं बल्कि माचलपुर के एक वेयर हाउस का नंबर है। इस तरह कूट रचित पर्ची से गुमराह कर उप मंडी की जमीन पर L&T कंपनी द्वारा राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। इस मामले में भोपाल कृषि विपणन बोर्ड की उप संचालक ऋतु चौहान से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में यह बात नहीं थी, मैं माचलपुर मंडी सचिव को निर्देश देती हूँ। कितने सालों से पड़े हुए हैं सर? मैं तो मेरी ड्यूटी तब भी लगी है, यहाँ से 1 महीना करीबन हुआ है। हाँ, इसके पहले कौन थे? इसके पहले और गार्ड थे, यहाँ पे गार्ड चेंज होते रहते हैं। वगैरह डाले हैं आपके विभाग से अनुमति ली है? नहीं, विभाग से अनुमति नहीं ली है, ये कलेक्टर साहब के जल संसाधन विभाग से किसान निधि के तहत है और किसान सेवा केंद्र के तहत कोई वहाँ से है मतलब, और विभाग से कोई अनुमति नहीं ली है। पूर्व सचिव थे, उनके द्वारा शायद आवेदन लिया गया था और अभी मंडी बोर्ड से भी हमने पत्राचार करा है और पत्राचार में हमने ये किराया निर्धारण के लिए लिखा है। सर, उस बात को 2 साल हो गए लेकिन? जी सर, मुझे क्या मेन चीज़ क्या, मुझे अभी 5-6 महीने के समथिंग हुए जो पाइपलाइन मंडी उपमंडी जो हमारा परिसर है वहाँ पर पाइपलाइन की जानकारी मुझे मिली है। उसके संबंध में हमने उसका किरायेदारी का एग्रीमेंट करने के लिए फाइल सचिव महोदय के माध्यम से, सचिव के माध्यम से भोपाल भिजवा दी थी। उसमें किराया निर्धारण की फाइल जैसी प्राप्त होगी उसमें किराया चालू हो जाएगा। हमने पूर्व दिनांक से जिस तारीख से लगा हुआ है वो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं उसको, तो 2 साल का किराया निर्धारण करने के लिए हमने भिजवा दी फाइल। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.